हाय एवरीवन, मैं हूँ छवि। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बाजू में ही एक बेल आइकन होगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे ये होगा कि जब भी मैं कोई अपना न्यू वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो ये एक पतीला है, पतीले के अंदर मैं 1 लीटर पानी ली हूँ। और उसके बाद आपको गैस ऑन करना है, सबको पता है कि गैस ऑन करना है। मैं स्टीम आपको दे रही हूँ, बता रही हूँ कि आपको कैसे स्टीम लेना है। इस प्रोसेस से अगर आप स्टीम लेते हैं अपने फेस पर तो आपकी स्किन वाकई जो है वो फ्लॉलेस हो जाएगी। आपकी स्किन जो है पिंकिश हो जाएगी। वीक में आपको 2 बार लेना है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको 2 बार आप ले, अगर आपकी स्किन ड्राई और सेंसिटिव है तो वीक में आप 1 बार लें। ये स्टीम लेने से क्या होता है, हमारे अगर हम लोग फेशियल कराने जाते हैं तो सबसे मेन स्टेप होता है वो होता है ये क्लिंजिंग के बाद होता है, तो वो स्टीम लेते हैं। उससे क्या होता है, स्किन में जो भी ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स होते हैं वो सब निकल जाते हैं। तो 1 लीटर पानी है, उसके अंदर मैं 1 चम्मच हल्दी डाली हूँ, टर्मरिक पाउडर। सेकेंड जो इंग्रेडिएंट है वो है दालचीनी, वो भी मैं 1 स्पून ली हूँ। थर्ड जो इंग्रेडिएंट है वो है लेमन, नींबू। 1 नींबू का मैं 1/2 नींबू उसके अंदर निचोड़ी हूँ। और जो मेरा 4th इंग्रेडिएंट है वो है ग्रीन टी। मेरे पास लिप्टन का है, आपके पास जो भी ग्रीन टी हो वो आप चलेगा, आप इसके अंदर डाल दें। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद इसको जब तक ये बॉयल नहीं होता है ना, आराम से दो, मतलब बॉयल, अगर आपको लग रहा है कि आपका पानी बॉयल हो गया उसके बाद भी आप गैस को सीम करके ना 1 मिनट के लिए उसे बॉयल होने के लिए छोड़ दे, ताकि वो एकदम अच्छे से बॉयल हो जाए। ये क्या होगा, अगर आप वीक में 2 बार या लेते हो स्टीम लेते हो ना, तो आपके जो ओपन पोर, जो आपके जो फेस के ऊपर में जो ऑयली आप देखोगे ना, आपकी स्किन बहुत साफ़ है लेकिन उसके ऊपर ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स है, तो आपकी स्किन वो गंदी दिखती है, ग्लो नहीं दिखता है। जो भी हम बाहर जाते हैं या घर में भी रहते हैं, किचन में भी रहते हैं, तो रोटी बनाते समय, खाना बनाते समय जो होता है ना, उसका धुआँ हमारे स्किन पर जाता है, जो हमारे स्किन के लिए सही नहीं है। वीक में अगर आप स्टीम लेते हो ना तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स की परेशानी जो है वो दूर हो जाती है। तो ये बहुत बेहतरीन है, लेकिन आपको थोड़ा सा हाइट करना है, लेना है, और तब उसके बाद स्टीम आपको लेना है। पानी बॉयल हो चुका है एकदम अच्छे से, ये देखिए स्टीम आपको दिख रहा है। ओके, अब आपको क्या करना है, इसे हाइट आपको जो लेनी है एकदम से, एकदम ऐसे चिपका के नहीं लेना है, 1/2 फुट 1/2 फीट के जो है ना आपको डिस्टेंस लेना है, एटलीस्ट आपको इतना सा डिस्टेंस लेना है। उसके बाद आपको एक मोटा सा टॉवल लेना है, अपने फेस को कवर करना है। और स्टीम लेने के पहले आपको क्या करना है, अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है, कोई भी क्लिंजर से या बेसन से कैसे भी आपको फेस को वॉश कर लेना है। उसके बाद आपको तकरीबन 5 to 10 मिनट्स इसमें स्टीम लेना है। फेस एकदम आपको रेड लगेगा, आपको मूव कर करके फेस को, मतलब नोज एरिया पे, चीक एरिया पे, ये फॉरहेड एरिया पे आपको अपने स्टीम को लेना है, ताकि आपके जो ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स हैं वो प्रॉपर अच्छे से जो है ना उसमें स्टीम जाए और आप इजिली उसको मूव कर सके, रिमूव कर सके। तो अभी मैं फिर से ले रही हूँ। फाइव टू टेन मिनट्स, मतलब मैक्सिमम 5 to 7 मिनट्स आपको स्टीम लेना है। स्टीम अभी भी आ रहा है लेकिन अब मैं नहीं ले रही हूँ। अब आपको ये स्टीम लेने के बाद क्या करना है, अपने स्किन को ऐसे ही छोड़ना है। उसके बाद आपको एक टॉवल लेना है, कोई भी खराब सा पुराना कोई भी एक टॉवल आपको ले लेना है। उसका नोज एरिया पे, जहाँ पे भी आपको ब्लैक हेड्स है, यहाँ पे मोस्टली हमारे इस एरिया पे ब्लैक हेड्स होता है, वहाँ पे हल्का ऐसे निकालना है ये एरिया पे। मैं मोस्टली प्रेफर नहीं करती हूँ पिन वगैरह से आपको ब्लैक हेड्स निकालने के लिए। कोई अगर आप रफ टॉवल पुराना लेते हो ना तो वो भी जो है आपको वही काम करेगा। तो ये ऐसे करके आपको निकाल लेना है, उसके बाद आपको छोड़ देना है अपने फेस को 5 to 10 मिनट्स के लिए ऐसे ही। उसका जब ये एकदम से फिर से नॉर्मल टेम्परेचर, क्योंकि अभी वो गर्म है, आप स्टीम लिए हो तो ये गर्म है पूरी स्किन हमारी,
तो 5 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। उसके बाद मैं आपको एक पैक बताती हूँ जो आपको इसके बाद अप्लाई करना है आपके फेस पे। आपकी वाइकराई स्किन जो है वो पिंकिश और ग्लोइंग और पिंक स्किन हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, एक बाउल लेना है। बाउल में आपको क्या करना है, एक कोई भी बाउल, मोस्टली मैं प्रेफर करती हूँ कि कांच का अगर अगर बाउल मिल जाए तो बेटर है, तो वो आप ले लो। एक चम्मच बेसन आप उसमें डालिए, थोड़ा सा हल्दी डालिए, थोड़ा सा दही डालिए, फिर अच्छे से उसको मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद अपने फेस पे आप लगा लीजिए। ये ऑयली स्किन हो, कॉम्बिनेशन स्किन हो, ड्राई स्किन हो, सेंसिटिव स्किन हो, सबके लिए ये पैक सूट करेगा। सेकेंड मैं बताती हूँ, एक बाउल लीजिए, उसके अंदर पोटैटो जूस डाल लीजिए, जो अपना आलू का जो रस होता है, अच्छे से उसको ग्राइंडर में ग्राइंड करके या ग्रेटर के हेल्प से उसका वो जूस आप निकालिए। उसके बाद उसके अंदर आप बेसन डालिए, हल्दी डालिए और उसके बाद अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए। जब वो सूख जाता है 10 to 15 मिनट्स के बाद, उसके बाद जो आप उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आप कोई भी मॉइस्चराइजर और जो आप यूज़ करते हो अच्छा सा, वो मॉइस्चराइजर यूज़ कीजिए। मॉइस्चराइजर के ऊपर में सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करें। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो थोड़ा सा भी इफेक्टिव दिखा हो, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप मेरे चैनल पर नए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरे हिसाब से ये बहुत यूज़फुल वीडियो है, तो जितना हो सके उतना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।